नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। बांसुजाना बांध परियोजना के जल से ग्रामीणों के कंठ तर होने में अभी और वक्त लग सकता है। प्रशासनिक व जनप्रतिनिधियों की उदासीनता से 120 गांव में पेयजल आपूर्ति की महत्वाकांक्षी योजना का कार्य पूर्ण नहीं हो सका। योजना के अनुसार बड़ा मलहरा व घुवारा तहसील के 26,000 परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराए जाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। बताया जाता है कि असामाजिक तत्वों द्वारा जगह जगह पाइपलाइन खुर्द बुर्द की जा रही है और चोर वॉल तथा कीमती सामान चोरी कर रहे हैं। छतरपुर टीकमगढ़ जिले की सीमा से गुजरी धसान नदी पर बांध सुजारा परियोजना अंतर्गत 107 करोड़ की लागत से बांध निर्माण कराया गया है। योजना अनुसार टीकमगढ़ जिले की जतारा पलेरा बलदेवगढ़ सहित 5 तहसीलों के किसानों को खेती की सिंचाई के लिए पानी दिया जा रहा है। योजना से हजारों हेक्टेयर भूमि में फसल लहराने लगी है। बड़ा मलहरा विकासखंड में पेयजल समस्या का हल करने की दृष्टि से बांध सुजारा परियोजना को ग्रामीण जल प्रदाय योजना से जोड़ा गया और वर्ष 2017-18 में 1.87 करोड़ की योजना तैयार कर बड़ा मलहरा क्षेत्र के 120 गांव में पेयजल आपूर्ति परियोजना पर काम शुरू कर दिया गया, परंतु 3 वर्ष का समय गुजरने के बाद भी वृहद योजना का काम पूरा नहीं हो सका। योजना के लिए तदीवी में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बड़ी उदासीनता सामने आ रही है। 5,011 में ग्रामीण जल प्रदाय योजना के तहत ये गांव गांव में पानी जाना है, तो इस योजना में कितना काम हो चुका है, कब तक ये संतुलित हो जाएगा? इसका लगभग 99% काम हो चुका है कंस्ट्रक्शन का। मैं एलएनटी का प्रोजेक्ट मैनेजर बोल रहा हूँ। अभी क्या है, हम लोग पानी सप्लाई चालू भी कर दिया है। बहुत सारी गाँव में पानी जा रहा है, बट हम लोग कंटिन्यूस पानी सप्लाई नहीं कर पा रहा है, किसी के लिए बहुत सारी चोरी का प्रॉब्लम समस्या आ रहा है। पहले ऐसा नहीं था, अभी रिसेंटली कुछ 5-6 महीने जब देख रहा है, जब पानी चालू होने के बाद भी चोरी कर रहा है। ऐसा कोई कुछ जाए, कुछ कुछ जाए, बहुत सेंसिटिव जाएगा, जिधर चोरी ज्यादा हो रहा है। एक भागुआ है, देन आपका हो गया भरदलपट्टी एरिया है, फिर आपका हो गया बैरेटी बामनी एरिया। ये सब 5,011 वाली जो परियोजना है, क्योंकि ये लंबे समय से काम चल रहा है और अभी शुरू नहीं हो पा रही, इसमें क्या और समस्याएं आ रही है? समस्या है तो समस्या बहुत सारी समस्या है, उसमें से एक वाइटल समस्या ये आ रहा है। इसमें से जो मेन लाइन जा रहा है ना, टैंक MBR 1 होता है, पहाड़ में है, सरकाना में एक पहाड़ी है, पहाड़ी से मेन लाइन है, 600 MV का लाइन है, मैं 600 MV डाया, उसमें से लाइन जा रहा है। ये लाइन जाके बहुत वो मेन लाइन है, ये बहुत सब गाँव में ये लाइन से बांध चुके, सब गाँव में निकाला। हमको रिसेंटली देखा है एक ये लाइन को भी छेद करके आदमी पानी ले रहा है, कोई गाँव में 2-3 जगह में छेद कर दिया। इवन अमरावन में एक जगह में सिरदर भी लाइन आदमी छेद कर दिया है, और इधर देखा है बैरेटी एरिया में आदमी लोग लाइन को छेद करके पानी ले रहा है। तो क्या ऐसा ये पेयजल के लिए पानी ले रहा है कि कैसे कोई सिंचाई चाहिए? ये लोग एक्चुअली ये पानी तो है पेयजल का है, बट इन लोग हमको लग रहा है जो पेयजल इसको सिंचाई का काम यूज करेगा बोल के इधर से इन लोग पानी ले रहा है। बट इन लोग को एक्चुअली क्या करेगा करना पड़ेगा, इन लोग को पहले अनुभव होना चाहिए एक्चुअली इसका पानी इसके लिए पानी है पीने के लिए, तब जाके इन लोग को सेंस आएगा और इन लोग